हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सैम। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पिगमेंटेशन के बारे में। तो गाइस, ये पिगमेंटेशन क्यों होता है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें खानी है, कुछ डाइट फॉलो करनी है। वो डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो रियली आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, क्योंकि पिगमेंटेशन जो हमें होता है वो हमारी बॉडी की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। इट मीन्स हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारे अंदर शरीर में कमी आ जाती है, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पर वो पिगमेंटेशन आने लगती है। आपने मोस्टली गाइस देखा होगा जो पिगमेंटेशन होती है वो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत गर्ल्स को हो जाती है। तो उसका रीजन यही होता है, अनमेरिड को भी हो जाती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद ही होती है। उसमें यह होता है आफ्टर डिलीवरी समटाइम क्या होता है, कुछ लोग बहुत अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, खाने पीने का अच्छा चाहिए होता है, नहीं मिल पाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। पर अनमैरिड में भी आ जाती है जो गर्ल्स हैं आजकल, बॉयज में भी किसी किसी में देखा जाता है कि उसको भी फेस। सो गाइज, उसका यही रीजन है क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, हम अपना डेली भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने खाने पर ध्यान नहीं दे पाते। और जब तक डाइट अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो गाइज, कितनी भी आप क्रीम्स यूज कर लो, कुछ लोगों ने बहुत सारी रेजर थेरेपी करवा चुके होंगे, बहुत पैसा लगा चुके होंगे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक हर तरह की दवाइयां कर चुके होंगे, पर पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा और ना ही हुआ होगा। तो गाइस, इसके लिए आपका सबसे बेस्ट है जो मैं बताऊंगी, अगर आप ये डाइट फॉलो कर लेते हैं, 3 to 4 मंथ में आपको खुद से अपने फेस पे एक तो पिगमेंटेशन हटने लगेगी, प्लस आपको अपना फेस एक चमकदार खूबसूरत चेहरा लगेगा। इवन जो जिन लोगों के पिंपल हैं, रफनेस है, ड्राइनेस है फेस पे, अगर वो भी इन चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में, और इससे गाइस ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारेगा। तो अगर मैं जो डाइट बताने वाली हूँ आप इसको करिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली आप मुझे खुद मैसेज करके बताओगे, कमेंट करके, दी मुझे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो गाइज, मैं इसे बताऊंगी, सबसे पहले फर्स्ट मैं बात करूंगी आपसे प्रोटीन रिच डाइट। तो गाइज, आपको बाहर से मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लो, आप घर में ही एग होते हैं, आप एग को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। आप अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, तो आप अपने डाइट में पनीर शामिल कीजिए। डेली आप पनीर का सेवन कीजिए, पनीर खाना स्टार्ट कर दीजिए, दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, दही खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप दही प्रोटीन, दही है और पनीर हो गया, अगर आप इनको डेली लेते हैं, दूध, दूध तो गाइस बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज, 1 ग्लास तो पीना ही है, 1 ग्लास दूध आप कंपल्सरी कर लो, उसको पीना ही पीना है। तो गाइज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपनी डाइट में जो है चिकन वगैरह को इन्वॉल्व कीजिए, प्लस अंडा तो आप डेली कर ही लीजिए, प्लस गाइज डेली वर्कआउट, आपको 1 घंटा योगा एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक कीजिए, पर आपको करना ही करना है गाइज, इससे आपके ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, आप खुद देखेंगे। योगा कीजिए, 1 घंटा आपको देना ही पड़ेगा अपने लिए, इसमें कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा और आपकी सेहत अच्छी होगी, प्लस आपका चेहरे पे पिगमेंटेशन 100% चली जाएगी। थर्ड पे बोलने वाली हूँ गाइस, फ्लैक्स सीड्स। तो गाइस, अलसी का बीज जिसको बोलते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स का सेवन स्टार्ट कर दीजिए। फ्लैक्स सीड्स बहुत ताकत होती है, बहुत कुछ है उसमें जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो पिगमेंटेशन है आपको, फ्लैक्स सीड्स ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ा सा गर्म होता है तो आप ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिए कि आप चम्मच ज्यादा खाने लगोगे, तो आप उसको फ्लैक्स सीड्स, अगर कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप थोड़ा खाने में स्प्रेड कर लीजिए, या दही में डाल के भी उसको खा सकते हैं, उसका पाउडर फॉर्म भी बना सकते हैं, या फिर उसको सीधा तवे पे थोड़ा सा फ्राई करके जब वो चटकने लगती है उसको खा सकते हैं, आधा टेबल स्पून, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा, सिर्फ आधा टेबल स्पून, मतलब आधा चम्मच आप उसको खाना स्टार्ट कर दीजिए, आप देखिएगा उसका रिजल्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगी दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, हमारे ब्लड को क्लीन करने के लिए, हमारे एंटी, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो गाइज, आप दालचीनी का डेली सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे उसको आप दही में डाल के खा लीजिए, या आप उसको चाय में थोड़ा डाल के, इवन आजकल के टाइम में आप उसको लेंगे वो आपकी बॉडी को इम्प्रूव ही करेगी, चाय में डाल के आप ले सकते हैं उसको, या फिर आप दही के ऊपर थोड़ा डाल के ले सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आए आप उसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। प्लस गाइज, डेली एक फल, कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट, कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल हो उसको आप रूटीन में ले आइए, एक फ्रूट खाना ही खाना है एनी हाउ। नेक्स्ट इज सैलेड। तो गाइज, सलाद खाना शुरू कर दीजिए,
आजकल गाजर है, अभी आगे सर्दी आने वाली है, गाजर खूब मिलने वाला है, दबा के गाजर खाइए। स्किन के साथ साथ डाइजेशन को अच्छा करेगी, आई साइट किसी की भी को वो अच्छी हो जाएगी, प्लस पिगमेंटेशन तो आपकी जाने वाली है ही। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं रूटीन में, मुझे कमेंट में चाहिए आपका रिजल्ट कि मैम मेरा इतना ठीक हो गया है। गाइस सलाद में आप खीरा खाइए दबा के, अभी आगे मूली आने वाली है, मूली और गाजर हो गया आपका, बीट रूट हो गया, आप इनको अपने सलाद में खाइए। मैं रात के टाइम सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये ठंडा होता है, तो सलाद हमेशा आप प्रेफर करिए कि आप लंच टाइम में। तो गाइस एक बाउल भर के ये आपको खाना ही खाना है, फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये सलाद एक कटोरी खाना ही खाना है, चाहे आप रोटी एक कम खा लीजिए या चावल थोड़ा कम कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी गाइस, पानी, पानी का इनटेक बढ़ाना ही बढ़ाना है, पानी आपको 10 से 12 ग्लास पीना ही पीना है, वो फिक्स कर लीजिए। इतना मुझे ग्लास, सुबह उठते 2 ग्लास पानी पी लीजिए, 2 घंटे गैप पे फिर 1 ग्लास पी लीजिए, इस तरीके पूरा दिन में आपको 10 ग्लास पानी जो है पीना ही पीना है। तो गाइज ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए और आप खुद देखेंगे विद इन 2-3 मंथ्स के बाद आपका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। और आप इसको स्टार्ट कर दीजिए आज से ही गाइज, जो जो मैंने चीजें बताई हैं इसको रूटीन में करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है अपनी और रूटीन में ये सब चीजें लेनी है आपको। मैं कुछ नहीं कहूंगी कि आप बाहर से प्रोटीन पाउडर लो या बाहर से आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ लो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल खाना खाना है। कोई मल्टी, मैं बाहर की दवाइयां भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप मल्टी विटामिन लो या ये लो, सिर्फ आप घर के खाने से ही, इसी से आप में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो गाइज जरूर ये स्टार्ट कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा आपके रिजल्ट क्या रहा, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगती है, और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके। और जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।